ये इफ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, चलो अगर अर्थ सन के अराउंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है, चलो अर्थ के अराउंड, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये सन है, ठीक है, सन के अराउंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द सन ऑन अर्थ, तो अब देखो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिवॉल्व कर रही है तो कितना फोर्स लगेगा मेरे भाई, कितना फोर्स इन दोनों के बीच लगेगा, ठीक है। हाँ, हम सबको पता है कि ये दोनों इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ होता है इसमें, ठीक है, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग इनके बीच एक फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वही प्रोवाइड करेगा सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है, इस पे इसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा होगा, वही सेंटीपिटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर प्रोवाइड करेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अब एम आर ओमेगा स्क्वायर ये द अर्थ, अब सारी वैल्यू पुट अप कर दो इसमें, अब क्या निकालना है एंगुलर, ठीक है, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द सन ऑन अर्थ, हाँ, तो मास दिया हुआ है 6 × 10^6 × 10 = 24 kg, ठीक है, एंड रेडियस दिया हुआ है 1.5 × 10^8 किलोमीटर, मतलब 10³ मीटर, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 2 × 10⁻¹ का स्क्वायर, ठीक है, तो ये इन सबको कैलकुलेट करो तो 4 60 और 36, ठीक है, तो ये देखो, ये आ रहा कैलकुलेट करके देखो, तो लेट अस कैलकुलेट ए डेटा, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है।